वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। साहिबजादा अजीत सिंह जी अते साहिबजादा जुझार सिंह जी चमकौर की लड़ाई विच किवें शहीद होए। 21 दिसंबर 1704 ईस्वी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी पंच प्यारे दो वड्डे साहिबजादे अते 37 सिंघां समेत शाम दे वेले चमकौर साहिब की गढ़ी पहुंच गए, लेकिन मुगल सेना ने रात नूं ही गढ़ी नूं घेरा पा लिया अते अगली सवेर सारे पासिआं तों हमला कर दिता। उन्होंने गेट नूं खोलण की कोशिश की, लेकिन गुरु जी ने पंच सिंघां नूं मुकाबला करन वास्ते भेजिया। वह पंच सिंह मुगल सेना नाल बहादुरी नाल लड़दे लड़दे शहीद हो गए अते इसे तरह पंच सिंघां दे ग्रुप गेट तों बाहर जाके मुगलां नाल लड़दे हुए शहीद हो गए। इह देख के गुरु गोबिंद सिंह जी दे सब तों वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने बेनती की कि पिता जी मैनूं वी दुश्मन नाल लड़न की आग्या बख्शो। तां गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हां दे इस फैसले ते बहुत खुश होए अते उन्हां ने अपने हत्थां नाल शस्त्र पवा के अगले पंच सिंघां दे ग्रुप विच भेज दिता। बाबा अजीत सिंह जी लड़ाई दे मैदान विच तीर कमान अते नेजे नाल वार करदे हुए बहादुरी नाल लड़दे रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी भी उन्हां दी बहादुरी ते खुश सन ते ओह गढ़ी दे अंदरों ही दुश्मनां उपर तीर नाल वार करदे रहे ताकि अजीत सिंह देर तक दुश्मनां दा मुकाबला कर सकन। फिर मुगल सैनिक ने अजीत सिंह जी दे घोड़े ते वार कर दिता अते ओह जमीन ते डिग गया। मौका देखते ही दुश्मन ने बाबा अजीत सिंह जी ते नेजे नाल वार कर दिता, जिस नाल ओह शहीद हो गए। साहिबजादा अजीत सिंह जी नूं शहीद हुंदे देख के साहिबजादा जुझार सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह नूं बेनती की कि ओह भी सिंघां दे नाल लड़ाई दे मैदान विच जाना चाहुंदे हन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां नूं अपने हत्थां नाल शस्त्र पवा के जंग दे मैदान विच पंच सिंघां नाल भेज दिता। साहिबजादा जुझार सिंह जी ने भी बहादुरी नाल मुगल सेना दे बड़े जोश नाल तीर कमान अते तलवार नाल मुकाबला किया। गुरु गोबिंद सिंह जी उस नूं बहादुरी नाल लड़दे देखते रहे अते तीर कमान नाल दुश्मनां उपर गढ़ी दे अंदरों ही वार करते रहे। घमसान लड़ाई तों बाद साहिबजादा जुझार सिंह जी भी जख्मी होके जमीन ते गिर गए अते शहीद हो गए। दोनों साहिबजादिआं नूं बहादुरी नाल लड़ के शहीद हुंदे देख के गुरु गोबिंद सिंह जी ने जयकारे दे नाल परमात्मा दा शुकराना कीता। मुझसे आज तेरी अमानत अदा हुई, बेटों की जान धर्म की खातर फिदा हुई। दुनिया दे विच कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिथे किसी पिता ने अपनियां अखां दे सामने अपने पुत्रां नूं शहीद हुंदा देख के अथरू डोलन दी बजाय परमात्मा दा शुकराना कीता होवे। गुरु गोबिंद सिंह जी भाई संगत सिंह जी नूं अपनी कलगी अते अपने कपड़े पवा के भाई दया सिंह अते भाई धर्म सिंह जी दे नाल गढ़ी छड्ड के चले गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीडियो नूं लाइक और शेयर करके चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।